हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोगों को जाना था अपने फ्रेंड की बहन की शादी में और मैं रेडी हुई थी। मैंने पहनी है ब्लैक साड़ी, मैंने अपना जो नेकलेस है वो दिखा रही थी मैं, जो कि मैंने मचमोर से लिया था, एंड मैंने बैंगल्स जो है मिक्स एंड मैच करके पहनी थी। जूती भी लकीली मुझे बिल्कुल मैचिंग मिल गई थी अपनी साड़ी की। यहाँ पर मेरे जो ब्रदर इन लॉ है वो बोल रहे हैं मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, लेकिन उससे थोड़ा सा कम। रेडी हो चुके थे और फाइनल टच हो चुका था, सब कुछ हो चुका था। अब हमने सोचा क्यों ना मैं अपने इन लॉज से पूछूंगी मैं कैसी लग रही हूँ। जी जबरदस्ती कैमरा रख के पूछ रहे हैं, गोली रख के नहीं, रियल में बहुत सुंदर लग रही है। हाँ, क्या चेंज करूं मैं बताऊँ? कुछ चेंज, लिपस्टिक ज्यादा डार्क होगी ना? नहीं हो जा, हाँ पतली तो होने की जरूरत है। ठीक है, जबरदस्ती गोली। अच्छा पापा बताएंगे। गुड लुकिंग इन ब्लैक साड़ी। अच्छा वेरी गुड। अभी 50 मिनट्स और लगेंगे हमको, अभी हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, पहुंचते 9:05 हो जाएगा शायद। उसके बाद हम लोग वेन्यू पे पहुंच गए थे। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं वेन्यू पे और अब हम जा रहे हैं अंदर। और अंदर जाने के बाद ये था कुछ अंदर का नजारा। सबसे पहले हम लोग अभी स्नैक्स खाने वाले हैं। ओके, और अभी हम देखते हैं क्या क्या है स्नैक्स में। सो लेट्स स्टार्ट ईटिंग। तूने क्या खाया अभी निशु? मैंने खाया है चिली पोटैटो, मंचूरियन और कबाब। हनी चिली पोटैटो भी हमें बहुत अच्छे लगे थे, मैंने भी ट्राई किए, आई लव्ड इट। उसके बाद विशाल लेकर आया था अपने लिए थोड़ा सा सूप, और सूप एवरेज था, मुझे पसंद नहीं आया पर्सनली। अब हम खा रहे हैं छोले कुलचे। वैसे शादी में रेयर होता है छोले कुलचे, है ना? बताओ भाई खा सकती हूँ मैं? ठीक है फिर, मैं भी अब लेके जा रही हूँ अपने लिए कुलचा, या फिर पहले मैं इसमें से ट्राई टेस्ट कर लेती हूँ। आई थिंक मुझे अलग से लेने की जरूरत नहीं है, अगर ये मेरे लिए छोड़े तो एक बार दे दो मुझे भी। कर रहे हैं हम, बस ये बता रहे हैं कि हम लोगों ने क्या क्या खाया है, साथ में रिव्यू मिल रहा है वो अलग बात है, वो बोनस पॉइंट्स है। बहुत गर्म है, अब हम टिक्की लेकर आए हैं। ये लोग विदाउट दही खाते हैं, मेरे लिए दही वाली लेकर आए हैं, तो लेट्स ट्राई। और आई थिंक 3 लोगों के लिए 2 तो काफी होनी चाहिए। उसके बाद मैंने खाया था बेसन का चीला, जो कि था बहुत ही अच्छा, मैंने उसको एंजॉय किया खूब। फिर हमने खाई चाउमीन, जो कि थी एवरेज, बट क्वांटिटी वाइज बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोग को फिनिश तो करनी ही थी, टेस्ट करना इज़ नॉट गुड ऑप्शन। मैं तो बैठे बैठे खा रही हूँ, यहाँ पर मेरे को सब कुछ ला ला के दे रहे हैं, मुझे कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। ये सब खाने के बाद मुझे लग गई थी प्यास, तो मैंने थोड़ा सा पी लिया पानी। उसके बाद हमारे जो फ्रेंड की वाइफ थी वो आ गई थी हमसे मिलने के लिए, और ये है उनका क्यूट सा बेबी कियान, एंड ये बहुत ही ज़्यादा उस दिन क्रैंकी था, वो किसी के भी पास आके खुश नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, इसलिए हमने सोचा क्यों ना बेचारे को इरिटेट ना करें अब और छोड़ दें, तो वो अब अपने मम्मी के पास वापस चला गया था। लेकिन हाउ क्यूट ही इज़ लुकिंग गाइज। उसके बाद गाइज ऑफकोर्स हमने सोचा कि हम एक प्लेट और छोले कुलचे खा लेते हैं। खाना, मैं तो खाना खा नहीं रही हूँ, अभी दूसरा प्लेयर गायब है और अभी हम ज़्यादा कुछ खा नहीं रहे, एक्चुअली हमारे पेट में जगह नहीं बची, लेकिन हम थोड़ी बहुत सब्जी ली है। चीयर्स।
निशु का सारा असलियत सारी असलियत आगे बाहर, निशु क्या क्या खाता है। सारी तरह कर ये लोग खाए ना खाए, इन लोग को स्वीट ज्यादा पसंद नहीं है, मैं तो खा लेती हूँ सबसे। वैसे मेरे को कुछ ज्यादा पसंद नहीं है पर ये लाया था तो मैं खा रही हूँ, पर इट्स गुड। सबके खाने पे दावा बोला हुआ है, सब कौन क्या क्या खा रहा है वो सब फोकस किया जा रहा है आज। तो निशु कुछ और लाया था, विशाल कुछ और खा रहा है। विशाल बहुत ज़्यादा बिजी है, तो कैमरा शाय भी है विशाल को, कोई मतलब नहीं है कुछ इनपुट देने से, तो खाने से मतलब है बस। सो गाइस अब हम वापस घर जा रहे हैं, आज का हमारा फंक्शन ओवर हो चुका है, हमने बहुत सारा खा लिया एंड कुछ भी नहीं छोड़ा, ऑलमोस्ट हमने सब कुछ ही खा लिया है, बट इट वाज वेरी नाइस। एंड अब हम वापस घर जाते हैं एंड दैट्स इट्स अ रैप फ्रॉम आवर एंड। सो सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय, टेक केयर।